अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, आई होप यू ऑल आर फाइन। विल यू टेक आउट योर रीडर्स। क्लास फाइव, टेक आउट योर रीडर्स with pencils and rough copies. To take out your readers with pencils and rough copies. Page number 63. Better turn on your cameras, all of you. Turn on your cameras, class five. Better raise your hands for reading. Yes, beta Munahir. Teacher, what is the page? Page number 63, beta. Okay, teacher. कई सौ साल पहले का जिक्र है कि एक दफा शहर बगदाद में एक दरवेश आया। ये बहुत नेक और खुदा तरस इंसान था। उसकी दुआ हमेशा कबूल होती थी। हजाज बन यूसुफ जैसे जालिम और जाबिर इंसान को बिन यूसुफ जैसे जालिम और जाबिर इंसान को इस बात की खबर हुई तो वो दरवेश के आने पर बहुत खुश हुआ। उसका ख्याल था कि वो खुदा के पसंदीदा बंदे से अपने हक में दुआएं खैर कराएगा। दरवेश को हजाज का पैगाम मिला तो वो हाकिम को खड़ी खड़ी सुनाने के लिए उस के दरबार में आ गया। खुदा के नेक बंदे चूं के लालच वगैरह से दूर होते हैं, लिहाजा उनको किसी का डर खौफ भी नहीं होता। हजूर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हक में दुआ फरमाएं। हिजाज ने दरख्वास्त की, मैं तेरे हक में ऐसी दुआ करूँगा जिससे ना सिर्फ तुझे बल्कि खल्के खुदा को भी फायदा पहुंचेगा। दरवेश ने संजीदगी से कहा। फिर उससे दोनों कई सौ साल पहले का जिक्र है कि शहर बगदाद में एक दरवेश आया। ठीक है, दरवेश वो होते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। ये बहुत नेक और खुदादर्स इंसान था। उसकी दुआ जो है हमेशा कबूल होती थी। हजाज बिन यूसुफ जो था वो वहाँ का हुक्मरान था और बहुत ही हजाज बिन यूसुफ जो था ना वो जालिम और जाबिर इंसान था। उसको जब खबर हुई ना कि दरवेश हमारे शहर में आया,
बहुत खुश हुआ। उसका ख्याल था कि मैं अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे हैं इनसे अपने लिए दुआएं खैर करवाऊंगा। दरवेश को जब हिजाज का पैगाम मिला तो उसने हाकिम को ना खरी खरी सुनाने के लिए उसके दरबार में आ गया। उसने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे चूंकि लालच वगैरह से दूर होते हैं लिहाजा उनको किसी का डर खौफ भी नहीं होता। मैं हुजूर में चाहता हूँ कि आप मेरे हक में दुआ फरमाएं। दरवेश को कहा गया। हजाज ने ना दरख्वास्त की उससे, मैं तेरे आगे से, दरवेश ने बोला, मैं तेरे हक में ऐसी दुआ करूंगा जिससे ना सिर्फ तुझे बल्कि खुदा को भी फायदा पहुंचेगा। दरवेश ने बहुत संजीदगी से कहा। जी यशु बेटे आगे पढ़िए। इशाद आगे पढ़िए बेटा। इशाद स्टार्ट रीडिंग। फिर उसने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ का आगाज किया। ऐ कायनात के मालिक मुख्तार, ऐ मेरे और सब के परवरदिगार, इस जालिम हजाज को मौत दे और फौरन इसे अपने पास बुला ले। जनाब ये इतनी बुरी दुआ मांग रहे हैं आप मेरे लिए। हजाज गुस्से से बोला, आप मेरी मौत के ख्वाहिशमंद हैं, मेरे लिए बेहतरीन दुआ जरूरी हो सकती है। दरवेश ने ख्वाब दिया तो हमेशा लोगों को सताता रहा है। जितनी तेरी उम्र लंबी हो गई उतना ही तेरा अमाल नामा साया होता जाएगा। तेरी मौत के बाद हल्के खुदा सुख की नींद लहजा, ये दुआ करके खुदा के हक में भी अच्छी है। दरवेश की जवाबमंदाना नाना गुफ्तगु सुनकर हजाज हैरान रह गया और सर झुका के सोचने लगा। वो वाकई एक जालिम मुराद था, लेकिन हर जालिम की तरह अपने आप को हक पर समझता था। लोग इससे खौफ पाते थे, लेकिन इस वक्त वो खुद नए बंदे से डर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आजादी से कहा, मुझे कोई ऐसा काम बताएं इस करने से मुझे बहुत ज्यादा स्वाद हासिल हो और मेरा अमाल नामा साया होने से बच जाए। दरवेश ने जब जवाब दिया तो दोपहर के वक्त हो जाया था। हजाज ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि होना कोई नया काम नहीं होता। उसने फिर कहा, जनाब मैं समझ रहा था कि आप मुझे कोई वजीफा बताएं या इबादत करने का हुक्म देंगे तो लोगों के लिए बन चुका है। दरवेश ने जवाब दिया, तो जब तक
जब तक सोया रहेगा लोग तेरे जालिम से बचे रहेंगे, जुल्म से बचे रहेंगे, इसलिए तेरे लिए बेहतरीन काम यही है। जो शख्स अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक नहीं करता वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच नहीं सकता। जी जब उसके दरबार में पहुंचा दरवेश तो उसने हजाज के लिए दुआ की, दोनों हाथ बुलंद करके उसने दुआ का आगाज किया। ऐ कायनात के मालिक मुख्तार मेरे, यानी ऐ अल्लाह और मेरे रब और सबके परवरदिगार, इस जालिम हजाज को मौत दे दे और फौरन उसे अपने पास बुला ले। उसने हजाज ने फौरन कहा गुस्से से, जनाब ही कितनी बुरी दुआ मांग रहे आप मेरे लिए। तो बोला कि मैं तुम्हारे हजाज गुस्से से बोला, आप मेरी मौत की ख्वाहिश मंद है, आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, मेरी मौत आ जाए। तो कहा आगे से कि तुम्हारे लिए बेहतरीन दुआ यही हो सकती है। दरवेश ने उसको जवाब दिया हजाज को, तुम हमेशा लोगों को सताते हो, उन्हें तंग करते हो, तुम्हारी यकीनन मौत के बाद जो अल्लाह ताला की मखलूक है वो सुख का सांस लेगी, सुख की नींद सोएगी, लिहाजा ये दुआ जो है ये खल्के खुदा के लिए बहुत अच्छी है। दरवेश की इस गुफ्तगु को सुनकर हजाज जो है वो हैरान हो गया और उसने सर झुका कर ना वो सोचने लगा, कहा कि मैं वाकई एक जालिम इंसान हूँ और हर वक्त मैं लोगों पर जुल्म करता रहता हूँ, लेकिन हर जालिम की तरह अपने आप को हक पर समझता था वो हुक्मरान था हजाज बिन यूसुफ। वो जुल्म करता था और कहता था कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लोग उससे खौफ खाते थे, उससे डरते थे, और लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे थे जो सच बोलते थे वो नहीं उससे डरते। कुछ देर बाद ना उसने हजाज ने ना सोचने के बाद दरवेश को बड़ी आजिजी से कहा कि जनाब मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि जिसके करने से मुझे कुछ सवाब भी हासिल हो, मेरा तो अमालनामा जो है वो तो सारा ही स्याह हो जाएगा इस तरह, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा अमालनामा स्याह होने से यानी इतना बुरा होने से बच जाए। दरवेश ने जवाब दिया, हाँ तुम ना दोपहर को सो जाया करो। जाज ने यह सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, उसने कहा है सोना भी कोई नेक काम होता है। तो फिर कहा जनाब मैं समझ रहा था कि आप मुझे कोई वजीफा बताएंगे या इबादत करने का हुक्म देंगे। उस पर दरवेश ने उसको बोला कि तुम तो लोगों के लिए ना फितना बन चुके हो और तुम जब सो जाया करोगे तो लोग तुम्हारे जुल्म से बचे रहेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतरीन काम यही है। इस सबक से हमें ये नतीजा होता है कि जो शख्स अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक नहीं करता वो अल्लाह ताला के अज़ाब से भी नहीं बच सकता। यानी उसको दरवेश को भी पता था कि ये एक जालिम और जाबिर हुक्मरान है और ये दुनिया को अल्लाह ताला की मखलूक को बहुत तंग करता है और इसका मालनामा जो है वो सयाह है इसके गंदे और बुरे कामों के, इसके जुल्म और जबर की वजह से। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अल्लाह ताला के मखलूक को जो बंदा तंग करता है, सताता है, ठीक है, उससे अल्लाह ताला भी खुश नहीं होते और उन पर अल्लाह ताला का अजाब आता है। जी बेटा कोई बताएगा इसको? बेटे कैमरा ऑन कीजिए अपने। इस कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया मारे, आप बताएं इस कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया? मारिज बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। क्लास 5 बेटे टर्न ऑन योर कैमरास। जी मारिज बेटे बताइए कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया? जिस कहानी से हमने ये सबक हासिल किया है, अगर हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक ना करें तो फिर हमारा जो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह ताला भी हमसे नाराज होंगे और अल्लाह ताला का अजाब आएगा अगर हम दूसरों पर दूसरों से अच्छा सलूक नहीं करेंगे और उनके साथ जो है वो अदल के साथ नहीं रहेंगे। ये अदल खास तौर पर हुक्मरानों के बताया गया है, ठीक है, जो भी हुक्मरान हो वो जुल्म ना करे रियाया पर। रियाया क्या होती है? अवाम, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग
ओके जी, इज दैट क्लियर बेटा? मारिस बेटे, इज दैट क्लियर? यस टीचर। ओके जी, क्लास फाइव ये एक रीडर की रीडिंग होगी। बेटे अब आपको मैं एक काम दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। जी स्क्रीन पे देखिए, आपको मैंने बोला था रफ कॉपी और पेंसिल्स भी साथ रखिए। आपको मैं एक मौजू दूंगी बेटा, मुकालमा निगारी। आपने मुकालमा निगारी बेटे स्क्रीन पर देख ले, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट रख ले। आपने बेटा जब मुकालमा अटेम्प्ट करना है तो ये हेडिंग्स जिस तरह देनी है ये बेटे स्क्रीनशॉट ले लें, या मार्कर लेकर और पेन लेकर अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि कहाँ आपने मार्कर यूज करना है, कहाँ आपने पेन यूज करना है। मुकालमा निगारी है बेटे, मुकालमा निगारी वो होता है दो लोग जो आपस में बातें करते हैं, गुफ्तगु करते हैं, उसको आपने लिखना होता है। ठीक है, उस गुफ्तगु को मुकालमे के अंदाज में लिखना है। मौजू है बेटा आपका, यानी जो टॉपिक है आपके मुकालमे का, मशहूर खिलाड़ी से अचानक मुलाकात हो जाती है, ठीक है, और उनसे जो होने वाली गुफ्तगु है उसको आपने मुकालमे के अंदाज में लिखना है। सबसे पहले आप कॉपी के सेंटर में बेटा मुकालमा निगारी की हेडिंग देंगे। क्लास फाइव टर्न ऑन योर कैमरास। मुकालमा निगारी की हेडिंग देने के बाद बेटे वन लाइन लीव करेंगे आप। फिर बेटे आप लिखेंगे मार्कर से मौजू, मौजू होगा यानी आपका जो मुकालमे का टॉपिक है, मशहूर खिलाड़ी से अचानक मुलाकात पर होने वाली गुफ्तगू। उसके बाद बेटा फिर वन लाइन लीव करेंगे किरदार। किरदार में बेटा इसमें दो ही किरदार होंगे, वन और टू बेटा देखिए स्क्रीन पे। यशित बेटे आप कॉपी नहीं कर रहे, मैं आपको बता रही हूँ। किरदार जो है बेटा एक तो होगा इसमें खिलाड़ी, और दूसरा आप देखेंगे नंबर टू पे मैंने लिखा है मैं, मैं से मुराद यानी आप खुद। उसमें बेटा आप लिखेंगे अपना नाम भी लिख सकते हैं या मैं भी आपका ठीक रहेगा, नाम लिखेंगे तो बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट में अपना ये देखिए मैंने ब्रैकेट में वो छोटा सा लिखा हुआ है अपने नाम, यहाँ बेटा आप अपना नाम लिखे। खिलाड़ी बेटा कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, आपको जिस खेल से जिस दिलचस्पी है, जिसके बारे में आपके पास मालूमात है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है तो क्रिकेट का लिखते हैं, फुटबॉल से है या किसी और स्क्वाश से, किसी और गेम से भी आपका जिसका भी बेटा आपको दिलचस्पी है आप उसके मशहूर खिलाड़ी का नाम लिख सकते हैं। नंबर टू पे बेटा अपना नाम लिखिए, उसके बाद बेटे वन लाइन लीव कीजिए। फिर बेटा आपने लिखना है जी मंजर, मंजर लिखकर बेटे दो डॉट डालने हैं और आगे बेटा ब्रैकेट में आपने पेन से लिखना है। पहले कहते हैं सिनेरियो आपने बताना है कि आपके किस तरह आपने देखा, किसी को देखा अचानक, उसको बेटा एक वन लाइन में लिखना है।
मंजर पहले थोड़ा सा बताना है एक लाइन में, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, उसके बाद बेटा नीचे वन लाइन लीव करके पहले खिलाड़ी को देख के आपने जो अल्फाज बोले, जो गुफ्तगू की वो लिखने हैं, उसके बाद आपने अपना लिखना है। ठीक है, आपको वन मिनट दे रही हूँ बेटा, इसको कॉपी कर दीजिए। इसके बाद बेटे अपना होमवर्क देख लीजिए, क्लास फाइव होमवर्क देखिए बेटा। बेटे आपका होमवर्क है मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आपको बेटा अभी व्हाट्सएप भी हो जाएगा, अगर आप यहाँ से नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से लिख लीजिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी किसी बात पर आपने बहुत ज्यादा इंसिस्ट करना, बहुत ज्यादा उसका जोर लगाना, जिद करना। ठीक है, इसको आपने ये मुहावरात जो है ये बी कॉपी में करनी है, ये दोनों काम आपके बी कॉपी के हैं। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। उसके बाद अगला है बातों में आना। बातों में आना का मतलब यानी कोई आपको बेटा उल्टी सीधी जो भी कोई बात कहे या जो भी आपको कोई चीज कहे तो आप फौरन उसकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, इसको आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगला है आग बगुला होना, बहुत ज्यादा गुस्से में आना, आसमान टूट पड़ना है जी, आसमान टूट पड़ना यानी कोई मुसीबत आपके सर पे आ जाए। फिर है जी उल्टी पट्टी पढ़ाना, यानी किसी को गलत गाइड करना। ठीक है, उसके बाद ही आपका वही काम जो अभी मैंने आपको बता दिया है, इत्तेफाकन आपकी मुलाकात किसी मशहूर खिलाड़ी से होती है, उस मुलाकात की गुफ्तगू को मुकालमे की सूरत में लिखें। ठीक है बेटे, ये दोनों काम आपने बी कॉपीज में करने हैं, बी कॉपी में करने हैं, या आपने अपनी जो कॉपी उर्दू की बनाई हुई है उसके जो बेटा दूसरा पार्ट है बी वाली साइड का, आपने ये बी वाली जगह पर करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन बेटा जब हमारा होगा तो उसमें अब हम रीडिंग करेंगे कारवानी उर्दू। ठीक है, आज के लिए ये काम बेटा करके रखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं ये काम चेक करूंगी। एनी क्वेश्चन क्लास फाइव? वुड यू टर्न ऑन योर कैमरास?
बेटा कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज रेज योर हैंड। No question, class 5. Okay, बेटा सब अपना काम ये अच्छा अच्छा कीजिएगा। मुकालमा लिखना आ गया होगा आपको, ठीक है। गुफ्तगू को बेटा आसान से अंदाज में लिखना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटे, अल्लाह हाफिज़।